हेलो फ्रेंड्स। तो अभी थोड़ी देर पहले टियागो जेटीपी और टिगोर जेटीपी की लॉन्च इवेंट खत्म हुई है और ये कारें लॉन्च हो गई हैं। तो फटाफट बात करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, कौन से लोगों को ये लेनी चाहिए और क्या जिन्होंने पहले टियागो और टिगोर ले लिया, क्या कि वो ठगे गए हैं या उन्हें पछतावे की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए कोई पछतावे वाली बात नहीं है। क्विकली इन सब बातों पर डिस्कशन कर लेते हैं, तो शुरू करते हैं। तो आज लॉन्च हुई है टियागो और टिगोर जेटीपी, और इनमें जो सबसे डिफरेंट फैक्टर है पुरानी कारों से, पुरानी टिगोर और पुरानी टियागो से, वो है इनकी परफॉर्मेंस, इनका पिकअप। तो ये कारें स्पेशली बनी है रेसिंग एडिशन, आप इन्हें कह सकते हो ये थ्रिलिंग परफॉर्मेंस के लिए बनी है। तो जिन लोगों को कारें ज़्यादा तेज़ दौड़ाने का शौक है, और जो लोग टाटा की टियागो और टिगोर को सिर्फ इसलिए नहीं बाय कर रहे थे क्योंकि इनमें उनको परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी लैगी मिलती है, तो अब वो इन कारों को बाय कर सकते हैं, उनको इसकी परफॉर्मेंस किसी भी तरीके से कम नहीं मिलेगी क्योंकि ये अपने सेगमेंट में लगभग सभी से बेटर हो गई हैं अब ये टर्बोचार्ज इंजन के साथ। तो जहाँ पे कि हमें पुरानी टियागो और टिगोर 85 PS की पावर देती थी पेट्रोल इंजन में, वहीं पे अब ये हमें नई वाली गाड़ी जेटीपी वर्जन देगी 114 PS की पावर, 110 to 114 PS की पावर। तो जहाँ पे 85 मिलती थी वहाँ पे अब 110 to 114 मिलेगी। और अगर हम बात करें टॉर्क की, तो जो पेट्रोल इंजन रेवोट्रॉन इंजन पहले हमें 114 Nm का टॉर्क देता था, वो अब देगा 150 Nm का टॉर्क। जी हाँ, तो जैसे कि पहले रेवोटॉर्क इंजन हमें 140 Nm तक का टॉर्क देता था, तो अब ये उससे भी ज़्यादा हमें पेट्रोल इंजन टॉर्क देगा। तो ये जेटीपी वर्जन लॉन्च हुए सिर्फ पेट्रोल वेरियंट में, डीजल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और प्लस इसमें AMT का भी सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि रेस एडिशन कार्स हैं, और रेस एडिशन यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन। तो अब यहाँ पे जो टर्बोचार्ज का फायदा आपको नजर आने लगेगा, ये आपको तीसरे गियर से नजर आने लगेगा, और इसकी परफॉर्मेंस तीसरे गियर में ही आप काफी ज्यादा वेरी करेगी। यानी कि तीसरे गियर में जाने के बाद आप ट्रैफिक में आ जाओ या हाईवे पे चले जाओ, आपको क्विकली गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टर्बो से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो क्विकली हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं उन सभी चीजों को जो यहाँ पे डिफरेंट हैं पुराने टियागो और पुराने टिगोर से नए वाले जेटीपी वर्जन में। तो सबसे पहला जो हमें डिफरेंस देखने को मिलता है वो है इसके इंजन में, कि इंजन हो गया टर्बोचार्ज, जो 85 PS देता था वो अब देगा 110 to 114 PS की पावर, और जो टॉर्क हमें मिलता था 114 Nm का वो अब मिलेगा 150 Nm का। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। तो जो टॉर्क के लिए डीजल कंसीडर कर रहे थे, अगर उनके लिए माइलेज का कोई इशू नहीं है तो वो टॉर्क के लिए जेटीपी वर्जन पे भी जा सकते हैं। इसके बाद जो हमें डिफरेंस देखने को मिला है वो है कि इन गाड़ियों में 15 इंच के हमें व्हील्स आ रहे हैं, स्पेशल व्हील्स आ रहे हैं जो कि एक्स्ट्रा ब्रेकिंग हमें प्रोवाइड करते हैं काफ़ी क्विकली। चूंकि गाड़ी बनी है रेस एडिशन, तो इनमें ब्रेकिंग जबरदस्त होनी जरूरी है। ABS, EBD, CSC सब कुछ है जो कि टॉप मॉडल्स में टियागो टिगोर में है ही। इसके अलावा स्पेशल टायर इसमें प्रोवाइड किए गए हैं जो कि एक्स्ट्रा ब्रेकिंग प्रोवाइड करते हैं अपने सेगमेंट की सभी गाड़ियों से जल्दी। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो पहले से घट गई है क्योंकि रेस एडिशन कार है, अभी ऑफ रोडिंग वाला चक्कर यहाँ पे खत्म हो गया। अभी रेस एडिशन के लिए बनी है अच्छी सड़कों पे, जो पहले 170 mm होती थी वो घट के हो गई है 161 mm की। दूसरा जो यहाँ पे एक और डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा, दोनों ही गाड़ियों की हाइट पहले से के मुकाबले काफ़ी घट गई है। पहले ये होती थी 1535-1537 mm के आसपास, अब ये हो गई है 1502 mm, यानी कि तकरीबन 3 सेंटीमीटर की हाइट जो है वो डिक्रीज करी गई है। अलॉय व्हील के साथ आपको 15 इंच के टायर मिल रहे हैं, ग्राउंड क्लियरेंस घट गई है, बॉडी हाइट घट गई है, इंजन परफॉर्मेंस बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली माइलेज तो घटेगी, उसकी अभी हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जिनको रेस एडिशन कार चाहिए, जिनको परफॉर्मेंस चाहिए, वो लोग माइलेज नहीं देखते, और जो लोग माइलेज देखते हैं वो प्लीज़ परफॉर्मेंस मत देखिए, तो सुखी रहेंगे। अब यहाँ पे जो अगला हमें डिफरेंस अनएक्सपेक्टेड जो एक चीज़ मिली है जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अभी अभी टिगोर का फेसलिफ्ट हुआ है और वहाँ पे हमें 7 इंच की टच स्क्रीन मिली है जो काफ़ी अच्छी लगती है, और ऑटो फोल्डेबल हमें ORVMs मिले हैं। तो ये दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिली हैं जिनके बारे में बात नहीं की गई है। तो हमें यहाँ पे मिलता है इसमें 5 इंच का टच स्क्रीन विद रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर। समरी अगर हम टोटल डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस है हाइट थोड़ी सी घट गई है, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी घट गई है, टायर साइज बढ़ गया है, अलॉय व्हील्स तो हैं ही, स्क्रीन जो कि 7 इंच दे सकते थे फिलहाल 5 इंच टच स्क्रीन से ही काम चलाना पड़ेगा, परफॉर्मेंस इंजन की बहुत ही ज़्यादा दमदार हो गई है। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो लॉन्च इवेंट में जो प्राइस बताए गए हैं वो दिल्ली एक्स शोरूम के प्राइस बताए गए हैं। तो 6,39,000 पे लॉन्च हो रही है दिल्ली एक्स शोरूम में टियागो जेटीपी, और वहीं पे 7,49,000 पे लॉन्च हो रही है टिगोर जेटीपी। तो 1,10,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों ही गाड़ियों में, और नॉर्मली इसी बात है कि ये पहले वाली कारों से ज़्यादा महंगी आ रही हैं सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के कारण। तो अब आप लोगों को डिफरेंस पता लग गया है कि पुरानी वाली टियागो में क्या है, पुरानी वाली टिगोर में क्या है, और उससे क्या चीज़ें
एक्स्ट्रा मिल रही हैं या कम मिल रही हैं आपको नए वाले JTP वर्जन में, तो आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों को इस वर्जन पे जाना है या नहीं। तो बुकिंग दोनों ही कारों की ओपन हो चुकी है, आप लोग चाहें तो जा सकते हैं। परफॉर्मेंस, थ्रिलिंग परफॉर्मेंस के लिए आप लोग इन कारों पर जरूर जाएं। आज के वीडियो में क्विकली बस इतना ही, जैसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो फिर से वापस आएंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।